हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल अजीत में, और मैं हूँ आपका होस्ट जितेंद्र। तो दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूँ अपने शहर से लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक पार्क, जिसे बिरसा मुंडा पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये धनबाद का पहला ऑफिशियल पार्क है, जहाँ पे जो नगर निगम के द्वारा बनवाया गया था। और अभी भी धनबाद में पार्कों की बहुत कमी है, एक या दो पार्क हैं। एक यही पार्क है जहाँ पे फैमिली वाले आके सुकून से बैठ सकते हैं, या प्रेमी जोड़े बैठ सकते हैं जिन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। शहर से दूर है, काफ़ी शांत है। तो आज मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अंदर, और दिखाने वाला हूँ क्या क्या फैसिलिटी है इस पार्क में। तो बने रहिए वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेके चलता हूँ आपको पार्क के अंदर। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate. यहाँ पे इस पार्क का एक स्टैंड दिया गया है, ऑटो स्टैंड या कार स्टैंड, और वहां से एंट्रेंस है 8 लेन सड़क। थोड़े से पार्क रेस्टोरेंट वगैरह सामने में दिए गए। अब हम लोग आ चुके हैं बिरसा मुंडा पार्क के मेन गेट पर। यहाँ पर कुछ टिकट का शुल्क है। ये सामने खिड़की है, टिकट खिड़की, प्रति व्यक्ति 25 रुपये। और ये सारा ये टॉय ट्रेन बनाया गया था, शायद अभी भी चलता है, ट्रैक्टर की ट्रॉली को जोड़ के। बच्चों के बीच खासा लोकप्रिय है ये। अभी भीड़ नहीं होने की वजह से ये बंद पड़ा है। जब शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है हॉलीडेज में, वीकेंड्स में, तब इसे चलाया जाता है। ये सारा पार्क गुलाब के झाड़, किन किन लोगों ने इसका उद्घाटन किया अभी तक। ये छोटा भीम, आगे क्या क्या फैसिलिटीज है, म्यूजिकल फाउंटेन, हॉरर हाउस, बड़े बड़े झाड़, और उसके पीछे एक गार्डन। काफी हरा भरा ये पार्क। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने भी आते हैं फैमिली के साथ। ये अंदर में गार्डन, खूबसूरत गार्डन गुलाबों से भरा हुआ, भर भर के गुलाब लगे हुए। ये ओरिजिनल के पक्षी तो नहीं मिले, ये आर्टिफिशियल पक्षी बनाए गए सीमेंट से। बहुत ही सुंदर लग रहा है। दिन का जो वक्त होता है वो प्रेमी जोड़ों का होता है, ज़्यादातर प्रेमी जोड़े मिलेंगे इस पार्क के अंदर। हो सकता है मेरा रिकॉर्डिंग करने से थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो जाए। ये गार्डन या पूरा फैमिली के साथ आके समय बिता सकते हो। ये झूले दिए गए उधर, अभी काफ़ी धूप है, अभी नहीं बैठ सकते वहाँ पे।
झूले दिए गए। ये सारा प्लेस यहाँ पर आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो। शाम के वक्त यहाँ काफी भीड़ हो जाता है, दोपहर का समय इतने ज्यादा लोग नजर नहीं आते, ज्यादा सब लोग पेड़ों को छाव या झाड़ों के पीछे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये वक्त देवी जोड़ों का है। ये पार्क अभी प्रेमी जोड़ों से भरा पड़ा है, इधर भी रिकॉर्डिंग करने जाता है उधर डिस्टर्ब होने लगता है, इससे बेहतर है जहाँ पे वो ना हो वही दिखाया जाए। तो इस मैदान में पार्क बनाया गया, तरह तरह के झूले बनाए गए यहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए। अब कुछ पैसे दे के इन झूलों का मजा ले सकते हो। ड्रैगन ट्रेन इसको क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। तो सामने ड्रैगन ट्रेन, बाइक और हेलीकॉप्टर, इसका शुल्क 30 रुपये है, 30 रुपये में आप इसका मजा ले सकते हो। ये चालू हालत में है या नहीं ये पता नहीं मुझे। वो सामने बोटिंग के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए जो बोट में इसका आनंद ले सकते हैं। वो ड्रैगन झूला है, शिमला के बहुत सारे झूले लगाए गए हैं, ब्रेक डांस। वो सामने जब देख जो बॉक्स देख रहे हो वो हॉन्टेड हाउस है। झूला वॉर्टेक्स 30 रुपये इसका शुल्क है। और फिलहाल दिन का समय है इसलिए कोई नजर नहीं आएगा आपको। शाम को 4-5 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। उस वक्त आपको फैमिली वाले मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे, अभी सब प्रेमी जोड़े मिलेंगे आपको, जिन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ झाड़ियों के पीछे बैठने से मतलब है। ये म्यूजिकल फाउंटेन है जिसे शाम को चलाया जाता है अंधेरा होने के बाद, अभी तो फिलहाल ये बंद पड़ा है। मुझे तो नहीं लगता ये काम में क्योंकि पानी भी बिल्कुल नहीं है। ये 5 बजे से 6 बजे तक का समय दिया गया म्यूजिकल फाउंटेन के लिए। इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाते हुए ऊपर में रेस्टोरेंट दिया गया, वहां पर आप खाने पीने का मजा ले सकते हो। चलिए चलिए देखते हैं क्या क्या है वहां। इसे बनाया गया था कि इसके चारों तरफ पानी भरना था, मगर शायद यह अधूरा ही रह गया प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये हॉरर हाउस एंड फेस योर फियर एंटर द डार्कनेस। ये
प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बिरसा मुंडा पार्क, एक छोटा सा यूनिवर्सिटी में चला गया। अब इसमें किस चीज की शिक्षा दी जाती है ये मुझे नहीं पता। शायद कुछ धार्मिक शिक्षा दी जाती है उसके अंदर। कुल मिला के ये है पार्क भाई साहब, इतने सारे प्रेमी जुड़े भरे हुए थे, रिकॉर्डिंग करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, तो उन्हें बुरा ना लग जाए। फास्ट फूड थोड़ा खाने पीने का मजा ले सकते हैं। ये पार्क का बाउंड्री है और उसके दूसरे तरफ रेसिडेंशियल एरिया है। यहाँ का रोज गार्डन, तरह तरह के गुलाब के पौधे और तरह तरह के फूल पूरी तरह से फूले हुए, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। सिर्फ गुलाब ही गुलाब। तो दोस्तों ये था पार्क का नज़ारा, बस इतना ही बड़ा पार्क, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और जो जो फैसिलिटी थी सारा आपको दिखाने की कोशिश किया मैंने। तो अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो वापस चलता हूँ अपने घर की तरफ, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टेशन में किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय।